करूँ उसके भाई के साथ करूँ, पर थोड़ा डीएनए तो एक ही है भाई, बच्चा तो इन खानदान का ही होगा ना, बाहर तो नहीं जा रही ना कम से कम कहीं। क्या चाहते हमें क्या पता तू तो बाहर जा रही नहीं जा रही, नहीं जा रही हमें क्या पता, नहीं पता। तो गाइस आजकल ऐसी चीज़ें आ रही है ना सामने, लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि ये हो गया फैमिली में, ये हो गया, तो मतलब बहुत शॉक लगता है कि सच में हम जो चीज़ें मूवीज़ में देखते थे वो रियलिटी में आजकल हो रही है सीरियसली। तो यार क्या आप राज ये बताओ कि आप अपने मुंह से बता दो, वहाँ पे देख रहे हैं 24 लाख लोग, ठीक है ऑडियंस है जो मेरी, जो आप फेस कर रहे हो, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो भी आपको दिक्कत आ रही है, क्या मतलब डरे हुए हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा, तो आप क्या फेस कर रहे हो वो पब्लिक के सामने बता दो। मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी थी, मतलब आप जो लोगों की हेल्प करते हो ना, तो मेरे को एक हेल्प चाहिए थी आपकी। मेरी जो भाभी है ना वो मेरे साथ गलत मतलब हरकतें करती हैं, मेरे साथ छेड़छाड़ करती हैं। मेरे भाई बिजनेस के रिगार्डिंग बाहर रहते हैं ज़्यादातर, तो वो घर पे नहीं होते। जब मम्मी वगैरह या दादी वगैरह जब घर से बाहर जाती हैं तो मेरे साथ छेड़छाड़ करती हैं और मेरे को बोलती हैं कि तुम्हारा ना भाई को मैं बता दूँगी कि तुम ऐसे हो वैसे हो, इसलिए मेरे साथ वो फिजिकल रिलेशन के लिए बोलती हैं। तो मैं उनको मना करता हूँ ना, तो मेरे साथ मेरे को ब्लेम करती हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर लगवा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, ये सब बोलती है। हाँ जी, तो इसलिए मेरे को आपकी हेल्प चाहिए थी। तो आप मेरे से क्या हेल्प चाहते हो? मैं एक प्रूफ चाहता हूँ, मतलब जिससे कि कल को मेरे भाई को कुछ बताएं मेरे बारे में या कुछ बोलें तो उनके माइंड में मतलब कुछ मेरे लेके गलत ना हो, इसलिए मेरे को एक प्रूफ चाहिए। अरे श्योर, आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ उल्टा नहीं, सीधा नहीं, नहीं बिल्कुल भी, आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है। क्योंकि यार जो मेरे से हेल्प लेने आया वही इनोसेंट होना चाहिए, उसके बाद तो हम लोग देखो सबूत इकट्ठा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार अभी राज मुझसे ये हेल्प चाहते हैं, जो इनकी भाभी है उनको यहाँ पे लोकेशन पे बुलाया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इनसे मिलने के लिए, है ना। जैसे आप बता रहे थे कल रात को भी फ़ोन पे कि वो कैसे ना कैसे इससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनके जो भाई है जो बड़े भैया वो काम में थोड़ा बिजी रहते हैं, तो फिर वो उनको अपनी वाइफ को टाइम दे नहीं पाते हैं, जो कि हम लोग देखते आया कि आजकल ऐसा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो यार मैं इनकी मतलब ये हेल्प कर सकती हूँ कि हम लोग हिडन कैमरा लगाए, ठीक है, और इसकी जो इनकी भाभी है उनको इस लोकेशन पर बुलाए, और जो भी हम प्रूफ इकट्ठा कर सकते हैं वो हम हिडन कैमरा लगा के प्रूफ इकट्ठा कर ले। तो उम्मीद से आया तो हेल्प तो करनी पड़ेगी आपकी, ठीक है, परेशान मत हो बिल्कुल भी। तो गाइस अभी क्या करते हैं, फ़ोन लगाओ अपनी भाभी को, नंबर है ना आपके पास, फ़ोन लगाओ और स्पीकर पे फोन कर देना। हाँ स्पीकर पे फोन रख देना और बोलना कि जो आप करने को बोल रहे थे ना वो मैं रेडी हूँ। हेलो, हाँ भाभी, हाँ वो आप जो करने के लिए बोल रहे थे ना मैं उसके लिए रेडी हूँ। तो मैं अपने ना दोस्त के फ्लैट पे आया हुआ था, तो मेरे को आपसे मिलना था, वही बस ऐसे ही मैंने अपने माइंड में सोचा बहुत सारी बातें, तो इसलिए फिर मैंने कहा जो भाभी बोल रही हैं एक बार वो करके देख लेते हैं। तो अब तो मैं अपने भाई के होंगे प्यार में, जिसमें पहले तो बहुत चिल्लाते थे मेरे ऊपर। कोई नहीं, अब मेरे को समझ आ गया है, आप आ जाओ एक बार, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा। तो मेरे भारी पड़ेगा। नहीं नहीं मैं भाई को कुछ नहीं बताऊंगा, आप भी भाई को कुछ मत बताना। लेकिन मैं क्यों बताऊंगी, अगर तुमने भाई को बताया तो मैं तो निकल जाऊंगी, उसके बाद ना तुम्हें जायदाद मिलेगी, ना तुम्हें घर मिलेगा, ना कुछ और, और बदनामी अलग से होगी। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, आप एक बार आ जाओ, मैं आपको ना लोकेशन सेंड कर देता हूँ। चलो ठीक है, ये निकल गया ऑफिस के लिए, वैसे भी आती हूँ थोड़ी देर में। ओके। सो गाइस इनकी भाभी को मिलने के लिए हमने बुला लिया, जैसे तैसे कन्वेंस कर लिया, हम लोगों को क्या करना है, वेट करना है और देखते हैं क्या होने वाले वीडियो के रिएक्शन, ठीक है, तो बने रहो। ये कहाँ बुलाया? मेरे दोस्त का फ्लैट है। हेलो, ओ हाय, कैसे हो आप? मैं बढ़िया। हाँ, ये कौन है? फ्रेंड है। अच्छा, ये है क्या वो तुम्हारी भाभी जिसके बारे में तुम बता रहे थे? जी। जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करके रखती है, वही है क्या? शायद आप बहुत ज्यादा परेशान करके रखते हो ना अपने देवर को। तुम ही तो हो ना यार। तुम वो क्या बुलाया भाई, क्या आप खुल के बता दो मेरे को। नहीं, उनको मैंने बुलाया बात करने के लिए, उनको मैंने बुलाया बात करने के लिए। नहीं मतलब आप ये बताओ, मतलब क्या चाहते हो आप, मेरे को खुल के बता दो जो भी है ना आपके मन में। ये मेरे फ्रेंड है, कोई ऐसी बात नहीं है। मिल मिला करना है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो
तमीज से बात करो सबसे पहले। क्या तमीज से बात करो? जिस जहाँ बैठी हुई है मेरा ही कर रहा है। तो इसने बताया था ना अपने फ्रेंड के फ्लैट पे बुलाया, इसके फ्लैट पे बुलाया। ये मेरा फ्रेंड है। बाहर भेजो जब बात खत्म करो। अच्छा बाहर भेजो, बाहर क्यों जाऊँ मैं? बाहर क्यों जाऊँ? क्यों तेरे पति है गे? कुछ भी हो तेरे को क्या देवर है? देवर देवर के साथ करेगा देवर के साथ यार क्या करना है? देखो शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी? शर्म क्यों आएगी भाई? नॉर्मल बात करने बुला दिया तेरे को, तू क्या सोच? तो अपने हस्बैंड के साथ करना। क्यों हस्बैंड की तरह बात करो? उससे बात कर लूंगी क्या हो गया? नहीं आप क्या चाहते हो आप मेरे को खुल के बता दो ना। क्या चाहते हो? क्या होता है? आप जो चाहते हो ना, आप जो करना चाहते हो, आप जो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो इनसे उम्मीद कर रहे हो, खुल के जानना चाहती हूं। खुल के ही तो जानना चाह रही हूं कब से। मेरा टाइम नहीं देता है मेरे को। अच्छा टाइम नहीं, टाइम चाहिए मुझे बस थोड़ा सा। तो आप ये भी तो समझो ना, जो बहुत मिलती है उसके भाई की, क्या फर्क है इसके साथ करूँ उसके भाई के साथ करूँ? पर थोड़ा डीएनए तो एक ही है भाई, बच्चा तो इन खानदान का ही होगा ना। बाहर तो नहीं जा रही कम से कम गई, क्या चाहती? हमें क्या पता तू बाहर जा रही है? नहीं जा रही। हमें क्या पता? आपके माइंड में ना बहुत गलत बातें चल रही हैं। आप भाभी ना माँ समान होती है, आप इस बात को समझो। भाभी माँ, लेकिन माँ समान क्या? तुमने तो भाभी का नाम ही डुबो दिया। माँ समान होती है, भाभी माँ समान। घटिया बातें बात बात तुम्हें मत कर। मेरे घर पे जिस बेड पे बैठी है ना, मेरा घर है। चली जा, मेरा घर है ना। कोई और ये ऐसा घर है जहाँ पे आना तो बहुत आसान है, लेकिन जाना मेरे हाथ में। क्यों समझे? सारे सिक्योरिटी गार्ड नीचे खड़े हैं, जाने भी नहीं देंगे तेरे को। चुरा के थोड़ा जा रही हूँ, कुछ चुरा के जाने को क्या हो गया? तो गलत काम तो करी थी। गलत काम तो बस क्या प्रूफ है? मैं तो मिलने आई, मैं देवर से मुझे बोला कि भाभी मैं परेशान हूँ, जरा मिलने आ जाओ, वो लड़की अच्छी नहीं है। अच्छा हाँ मैं तो ये बोलूंगी। अच्छा ये प्रॉब्लम क्या है यार? मतलब देखिए अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, ठीक है, वो इनोसेंट है, उसको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, ना ही उसकी एज है, अभी ये सब उल्टी सीधी चीजों में पढ़ रही है। उल्टी सीधी इसका भाई नहीं दे पा रहा मुझे बच्चा, मैं बच्चा आप एक मिनट बैठ जाओ, बैठ के बात कर लो। अच्छा भैया को फोन करके क्या बोलेगी बता तो दे। बोलूंगी कि लड़की की गलत संगति में फंस गया है वो। अच्छा अच्छा मेरी गलत संगति में पड़ गया है और इसने मुझे रोक के बोला भाभी प्लीज मुझे इस लड़की से बचा लो, और उसको भाई यकीन कर लेगा। वाह ये तेरे मतलब मगरमच्छ के आंसू देख के वो तेरा पति तुझ पे यकीन कर लेगा यार। क्या करे, सो सैड यार अपने पास कोई। एक मिनट कहां जा रही है, अभी बात कर लेना यार। काहे की बात, एक सेकंड बैठ जाओ, एक सेकंड बैठ के बात कर लो। क्यों बैठ जाऊं मैं? जिस काम के लिए बुलाया था वो काम कर। गाली गलौज मत कर दे, गाली गलौज मत कर। तू भी कर ले गाली गलौज, वैसे फसाना तुम्हारा काम है ना। क्या है काहे का मासूम लड़का, क्या फसा रही मैं? देवारी तो है मेरा, देवर है तेरा। तो आप भाई को बता दो ना एक बार, भाई से बात कर लो। बता फोन कर, यकीन कर ले तेरा भाई। क्या बोलेगा भाई? मेरे को बस इसी चीज का डर है कि भाई मेरा यकीन नहीं करेंगे ना। इसी चीज का डर है ना तुम्हें कि भाई यकीन नहीं करेगा? क्या करे यार, पर रट्टा मारेगा ना तेरी सारी बुद्धि आ जाएगी कट्ठे ठिकाने। देख रहा हूं और इसको भी नहीं मानेगा। अच्छा बोलेगा तुम दोनों ने मिलके फंसाया मुझे। अच्छा तेरे को फंसाया तू? बहुत शरीफ है ना, बहुत शरीफ है ना। तेरी सारी शराफत अभी निकलेगी, 5 मिनट में। टेंशन मत ले उस चीज की, अभी पता लग जाएगा। अब क्या करने आई है तू यहाँ पे बता तो दे। देखो क्या है, यही उल्टा सीधा काम करने आई है वो भी तब जब तू मैरिड है ऑलरेडी, और इसका जो भाई है वो तेरा पति है। तेरे को क्या है? यार फ्रेंड है मेरी, वो फ्रेंड है भाभी, मेरी फ्रेंड है वो। तू ना मुझे यहाँ पे। यार काश हमारे पास सबूत होते, सीरियसली यार। सबूत होते क्या? सबूत है तुम्हारे पास? नहीं है ना सबूत, नहीं है ना यार। वही तो ना, वही तो। तब तो पाँच लिया, तभी तो सर पे इतना चढ़ गया है। बहुत बुरा फंसने वाले हो, टूटो गया तो बोल रहे हैं। कितना बुरा फंसाएगी? मैं तो बुरा फंसाऊंगी और तुम्हें अपनी प्लानिंग बता देती हूँ। अच्छा अगर नहीं करता, अगर तू अगर नहीं करता तो क्या करेगी? कुछ नहीं करूंगी, घर जाके बोलूंगी इसने मुझे बुलाया रूम पे, बोला कि भाभी मैं तो फंस गया, थोड़ा पैसे देने आ जाओ। मैं वहाँ गई तो सर बदतमीजी कर दी। अच्छा औरत होने का नजायज फायदा उठाएगी? मैं तो नहीं कर सकती ये सब चीजें। रुक तो जा कर रही है, लड़की होने का नजायज फायदा उठाएगी? देखो क्या ना, तो गुड जर्नी तो कर रही हूँ आजकल की लड़की। तू भी उठा ले यार। अरे मैं तेरी तरह नहीं हूँ ना, बैठ जाओ एक मिनट, बैठ के बात कर लो पहले। अरे बता तो दे यार, क्या छोड़ देना यार, उसकी क्या गलती है यार, छोड़ देना। क्या गलती, क्यों फंसा रखा है उसको? तेरे को क्या प्रॉब्लम है बताना? मेरे को प्रॉब्लम ये है ना कि मासूम क्या कर रही है इससे? मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है। चाहती है इसके साथ तेरी क्या? तू कर ले, तू भी कर ले। अगर मैं देख तू मुझसे बहुत बड़ी है, थोड़ी सी तेरी
भाई इज्जत कर रही हूँ ना, तो खींचा खींचा के रट्टे मार के घर से बाहर निकल जाती हूँ। तू कर जे इसके साथ, मैं नहीं बताऊंगी। बंद रखो अपनी। हाथ कैसे लगाया भाई तूने? हाथ कैसे लगाया? दूर हो कर। हाथ कैसे लगाया? बैठ जाओ, एक मिनट बैठ के बात करो। मुंह बंद रख ले। हाथ कैसे लगाया? मार कैसे रही है मुझे? दूर। आप बदतमीजी बहुत कर रहे हो। अच्छा तू गई और तू गया। पता क्यों? आप बदतमीजी बहुत कर रहे हो। ट्रिप पे आ रही है इसलिए। अबे तुझे करना, तू भी देख लेना। तेरे झूठे आंसू, तेरे मगरमच्छ के झूठे आंसू। रुक जा, जाएगी कैसे तू? अभी ऐसे तो जा नहीं सकती। देख आना तेरे को मैंने बताया था यहाँ पे अपनी मर्जी से, लेकिन जाना बहुत मुश्किल है, उसकी टेंशन मत ले तू, है ना? और तू तो गया बेटा, अपना बोरिया बिस्तरा अभी पैक कर। अरे वो तो अभी पता लगा, सुन तो ले, अभी पता चलेगा। आराम से बैठ यार, तेरी खातिरदारी करनी है। अबे छोड़ ना। अरे अच्छे से तो इसकी क्या, इसकी शक्ल ले लेना अच्छे से ज़ूम करके। क्या एक बार भी इसके साथ उल्टा सीधा काम करते हो, ये नहीं सोचा कि तेरा बच्चा है? तब तेरे को तेरे बच्चा नहीं आ रहा था दिमाग में, है ना? तब तेरे को एक बार भी नहीं सुन रहा था कि तेरा 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 बच्चा है, वो बड़ा होगा तो क्या सोचेगा अपनी माँ के बारे में? उसकी माँ जगह जगह जाके सो जाती है क्या? प्लीज क्या हो गया? तुमने हाथ जोड़ा करना, अब क्या हो गया? हाथ जोड़ दो, प्लीज कैमरा बंद करवा दो, इससे मामला। प्लीज कैमरा बंद करवा दो, प्लीज कैमरा बंद नहीं हो, प्लीज देवर जी कैमरा बंद करवा दो। इतना हाथ जोड़ रही है तुम्हारे, अब तेरा देवर हो गया है ना? अभी तुम यार बनाना चाहती थी 10 मिनट पहले, तक तो तू यार बनाना चाहती। अरे हो गई यार गलती, क्या हो गई? मैं डिप्रेशन में नहीं आ सकता क्या? अच्छा डिप्रेशन में? किस चीज के डिप्रेशन में? अरे हां मैं डिप्रेशन, घर का काम, बच्चे का काम, उसके बाद पति टाइम मिला था, थोड़ा दिमाग खराब हो गया था। कैमरा बंद करवा दो प्लीज। अरे वाह यार क्या बात है यार, कोई बात नहीं, कैमरा अच्छे से बंद होगा, लेकिन शक्ल अपनी अच्छे से दे दे, इसकी शक्ल अच्छे से जूम डाल लेना कैमरा। अरे रुक तो जा, अच्छे से कैमरा बंद होगा। अब सुन, हैंड टू हैंड तेरी ये सारी क्लिप सामने लगाए कैमरा, ठीक है? हैंड टू हैंड तेरी सारी क्लिप्स मैं तेरे पति को ट्रांसफर कर रही हूँ। पति को अब पता चलेगा, तेरा डिवोर्स भी होगा, अब पता चलेगा कि तू मेरा बच्चा है यार, छोटा है। तुम तो एक औरत हो, औरत की बात में सोच सकती है? सोच सकती है। मैं तेरी जैसी औरत तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी कैरेक्टर है बिल्कुल नहीं। तू तो जगह जगह जाके सो जाती है, फिर उसके बारे में क्या हो गया? क्या है ना, अब क्या करेगी? मैं खुद जाके तुम्हारे पास बात कर लूंगी, बोल दूंगी गलती होगी। गलती हो गई? आप तो देख तो ले सामने कैमरा लगा है, अभी देख तो ले आके यार। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे पास प्रूफ तो इकट्ठे हो गए और सामने अपने कैमरे में सारी चीज़ें कैप्चर हो गई। माइक वाइक ओके है ना? एकदम साउंड आ रही है ना? क्योंकि यार ये क्लिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार इसकी ज़िंदगी का सवाल है ना? अगर इनके भाई को लगता कभी भी ज़िंदगी में कि इनका छोटा भाई गलत है, तो इनको घर से बेदखल कर देते, कैरेक्टर खराब हो जाता, वो बात अलग है ना? चाहे लड़का हो लड़की हो, इज्जत तो सबकी होती है, देखो सीधी सी बात है। सो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, ठीक है? और मैं आपको ये जो सारी क्लिप्स है मेल कर दूंगी। आपको प्रूफ चाहिए थे और मेरे घर पर आ गया, प्रूफ मिल गया, सो मच, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेल आपको कर देती हूँ क्लिप्स, और इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत रहती है तो ये अभी कहीं पर डिस्क्लोज मत करना, क्योंकि लड़की की ज़िंदगी का सवाल है और आप बता रहे भतीजा भी आपका है ना, तो आने वाले टाइम में कभी भी ब्लैक नहीं करते हैं ना, तब दिखाना जाके, वरना उससे पहले कोई स्टेप मत देना, क्योंकि यार देखो है तो औरत ही, और फिर यार घर भी उजड़ जाए, हम लोग वो भी नहीं चाहते हैं, ठीक है? चाहे उसने कितना भी गलत किया हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी किए बिना बिल्कुल मत जाना। रेड 7 को लव यू ऑल।